हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ नई वीडियो जिसमें यूपीपीएससी 2018 मेन सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन किया है, सिलेबस को समझा है, उसका पैटर्न क्या है ये समझा है, आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस किया है और स्ट्रेटजी बनाई है। मतलब कुछ स्ट्रेटजी हम मैंने डिस्कस की है आप लोगों से कि आंसर राइटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए और हमें मेंस की तैयारी करते समय क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर आज की हमारी वीडियो है। होप आपको पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब हम मेंस की नई सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें मेंस के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मेंस में जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जिस जिसके पे एग्ज़ाम होते हैं, कैसा पैटर्न है, कितने मार्क्स के आते हैं, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है और उसका सिलेबस क्या है, और इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट्स पर भी काम करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स में क्या टॉपिक कैसे करना चाहिए। और हमारी ये नई सीरीज़ ऐसे ही चालू रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं यूपीपीएससी 2018 मेंस का सिलेबस क्या है। जो लोग कट ऑफ में इन हो रहे हैं वो लोग तो मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, लेकिन जो लोग इन नहीं हो रहे हैं वो लोग प्री तो इसीलिए दे रहे हैं कि उन्हें कभी ना कभी मेंस लिखना है, तो आज से क्यों ना शुरुआत की जाए। आप लोग मेंस का सिलेबस पढ़िए, मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार मेंस अब इजी नहीं रह गया जैसे पहले था। पहले ऑप्शनल क्वेश्चन आते थे, अब डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सोच के मत बैठिए कि जब मेरा प्री निकल जाएगा तब मैं मेंस की तैयारी करूँगा या करूँगी। आपको अभी से मेंस की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि प्री निकलने के बाद बहुत कम टाइम होता है कि आप मेंस की तैयारी कर पाएँ। और इस समय तो पेपर इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव, इतना बड़ा हो चुका है, इतना लेंथी है कि आप लोग प्री के बाद मेंस की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज से ही मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। चाहे जिसका कट ऑफ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो लोग तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि अगर मेंस हो जाता है तो प्री आप लोग निकाल सकते हैं। प्री फैक्चुअल बेस पे होता है। अगर मेंस आपकी समझ आपने विकसित कर ली अपनी, तो मेंस आप आराम से निकाल सकते हैं और एज वेल एज प्री भी आपका निकल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताऊं इस बार के पैटर्न में यूपीपीएससी 2018 ने क्या क्या चेंजेस किए हैं अपने इस पैटर्न में। पहले होता था जनरल स्टडी के दो पेपर होते थे और दो सब्जेक्ट ऑप्शनल होते थे, और जनरल हिंदी का पेपर होता था और एससी का पेपर होता था। लेकिन इस समय बिल्कुल स्थिति दूसरी कर दी है इन्होंने। जो लोग ऑप्शनल पेपर देते, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता था पहले, वो ऑप्शनल आता था। इस समय इन्होंने यूपीएससी का पैटर्न फॉलो किया है। जर्नल स्टडी के चार पेपर हो गए हैं। जर्नल स्टडी वन, जर्नल स्टडी टू, जर्नल स्टडी थ्री और जर्नल स्टडी फोर, ये चार पेपर हो गए हैं। ये 200-200 मार्क्स के होंगे, ये पेपर 2-2 घंटे के होंगे और इसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आएगा। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसका रिटर्न आंसर लिखना होगा। लेकिन अभी तक ये मेंशन नहीं किया कि मार्क कितने मार्क्स का आएगा या कितने उसकी लेंथ कितनी होगी आंसर की। अभी तक ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जैसे ऑप्शनल कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर आता था, ऐसा ही पेपर इस बार जनरल स्टडीज़ का भी आएगा। अब इसमें एक चीज़ नई की है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट हो गया है। पहले दो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने पड़ते थे, अब आप लोगों को सिर्फ एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जिसके दो पेपर होंगे 200-200 नंबर के और 3-3 घंटे का ये पेपर होगा। तो इसमें ये चार पेपर तो जनरल स्टडीज़ के, एक ऑप्शनल। जनरल हिंदी जैसी थी वैसे ही रहेगी, 150 नंबर की, 3 घंटे की, और एसए का पेपर भी जैसे था वैसे ही है, 150 नंबर का, 3 घंटे का। चलिए मैं बता दूं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, अरेबिक लिटरेचर, जूलॉजी, डिफेंस स्टडीज, हिंदी लिटरेचर, केमिस्ट्री, मैनेजमेंट, पर्सियन लिटरेचर, फिजिक्स,
पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, संस्कृत लिटरेचर, मैथमेटिक्स। दो 200 मार्क्स के दो पेपर होंगे, एक ही नहीं हो, दो 200 मार्क्स के दो पेपर होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा आपको। आगे सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड अकाउंटेंसी, एनिमल हस्बेंड्री एंड वर्टिनरी साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, जियोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बॉटनी, इंग्लिश लिटरेचर, लॉ और उर्दू लिटरेचर। इन सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल चुनना पड़ेगा, दो सब्जेक्ट हटा दिए हैं इन लोगों ने। चलिए अब मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए मेंस की आंसर राइटिंग करते समय, क्या मेंस का पैटर्न है और उसके आंसर राइटिंग करते समय और पूरा मेंस की प्रिपरेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रश्नों के स्तर की। अब जो पेपर आएगा वो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, तो क्वेश्चन के फॉर्म में दो टाइप में आ सकता है, या तो यूपीएससी का ये लोग पैटर्न फॉलो करेंगे या करेंगे एमपीपीएससी का पैटर्न फॉलो। जिन लोगों ने एमपीपीएससी का पेपर कभी दिया है तो उन लोगों ने देखा होगा कि उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन, सॉरी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं, 6 मार्क्स के आते हैं और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है एमपीपीएससी का पेपर, मेंस की बात कर रही हूँ मैं इस समय। और 3 मार्क्स के बहुत छोटे 1 वर्ड्स या 1-2 लाइन्स में देना होता है, 6 मार्क्स के 100 वर्ड्स में देना होता है और 15 मार्क्स के 300 वर्ड्स में आंसर देना होता है। ये चीज़ इसमें है कि ये पेपर का पैटर्न ये थोड़ा सा इजी होता है, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी होता है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हरित क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से इजी लेवल के होते हैं तो इसे बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर इन लोगों का पैटर्न यूपीएससी का रहा तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे और थोड़ा सा इनडायरेक्ट घुमा के पूछेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सोचने समझने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी, इसमें ये प्रैक्टिस से ही आएगी। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि ये लोग, क्योंकि अभी तक एक भी बार एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो कहा नहीं जा सकता कि ये लोग पेपर किस टाइप से देंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 90% चांस ये यूपीएससी को फॉलो करेंगे, ये एमपीपीएससी को नहीं फॉलो करेंगे, तो ये यूपीएससी के अकॉर्डिंग पेपर बनाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है मेंस में, हमें सिलेबस पे फोकस करने की ज़रूरत है कि सिलेबस क्या है वो आपके स्टडी टेबल के बिल्कुल सामने होना चाहिए, आपको रटा हुआ होना चाहिए सिलेबस में। जैसे कि प्राचीन भारत पूछा है तो प्राचीन भारत में स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ें पूछी हुई हैं वो पता होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी पड़े चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बुक उठाई और पूरा उसमें से पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है मेंस में। आपको जो जो टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिएगा। वैसे मैं एक एक सिलेबस, जनरल स्टडी का, एसए का, हिंदी का और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको बताऊंगी और उसमें से कैसे कैसे कहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। और हमारे जो कोर्सेज चलेंगे अब मेंस की सीरीज़ के, उसमें हम लोग टॉपिक वाइज आपको कराएंगे, ये नहीं कि एक बुक कराएंगे, जो जो मेंस का टॉपिक है टॉपिक को लेके हम कवर कराएंगे और आपको सिनॉक्सिस भी दूंगी, मतलब कि शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगी रिवीजन के लिए। नेक्स्ट इसमें ध्यान देने वाली बात है वैकल्पिक विषय का चयन। तो आप लोगों को जो वैकल्पिक विषय चूज़ करना है, मतलब कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट एक चूज़ करना है, वो ऐसा चूज़ करना है एक तो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, आपको उसमें पढ़ने मज़ा आना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर किसी ने हिस्ट्री में एमए किया है तो वह हिस्ट्री चूज़ कर सकता है, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट ना चूज़ करिए जिसमें आपको मज़ा नहीं आता हो, जिसे पढ़ने में आप बोर होते हो, क्योंकि 400 नंबर बहुत कम नहीं होते, उसमें आपको लिखना आना चाहिए, उसमें अपने थॉट एक्सप्लोर करने आपको आने चाहिए। तो वैकल्पिक विषय चूज़ करते समय बहुत ही सावधानी बरतिएगा। अगर किसी के पास ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें स्ट्रांग है तो वो सोशल वर्क ले सकता है, सोशियोलॉजी ले सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट हैं
जिसमें कि जाति प्रथा, विवाह, इस टाइप के सब्जेक्ट्स आते हैं, इस टाइप का पेपर्स आता है इसमें, तो इस टाइप के हम लोग ले सकते हैं। इसमें भी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो वैकल्पिक विषय बहुत ध्यान से चूज़ करिएगा कि आप लोग क्या चूज़ करें, बहुत मेजर रोल निभाएगा ये मेंस के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। अभी तो एक भी पेपर हुआ नहीं है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि पेपर कैसा आएगा। फिर भी आप लोग यूपीएससी के लास्ट ईयर 5 साल के पेपर उठा के देखिएगा और उसे एनालिसिस करना कि इस पेपर में मैं कितना और क्या लिख सकता हूँ। ऐसा तो नहीं आपने आज तक कुछ पढ़ा नहीं है, आपने प्री के लिए बहुत सारी तैयारी कर रखी होगी और कुछ बच्चों ने तो मेंस भी दिया होगा, तो पढ़ा तो बहुत कुछ होगा। तो आप पेपर उठाइए, कुछ क्वेश्चन लीजिए और देखिए कि आप कितना लिख पाते हैं। तो ये चीज़ करिए कि प्रश्न पत्र एनालिसिस करिए, चाहे यूपीएससी के ही करिए, लेकिन पिछले 5 सालों के पेपर एनालिसिस करिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स का समावेशन। आंसर राइटिंग सब कर लेते हैं, कॉमन आंसर राइटिंग सबको करनी आती है, लेकिन जो स्टूडेंट करंट अफेयर्स को अपनी आंसर राइटिंग में इंक्लूड करता है, वो अपने मार्क्स बढ़ा सकता है और लोगों के मुकाबले और टॉप रैंक पा सकता है। टॉपर्स क्या होते हैं? टॉपर्स सिर्फ अपनी आंसर राइटिंग में करंट अफेयर्स को जोड़ के लिखते हैं अपने पूरे आंसर को। तो ये चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा कि कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसके अंदर करंट अफेयर्स को डालना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन आया हुआ हो, उससे रिलेटेड जो भी पर्सन न्यूज़ में चल रहा हो, जो संगठन न्यूज़ में चल रहा हो, या कोई भी ऐसा काम न्यूज़ में हुआ हो उसके रिलेशन में, तो उसे अपने आंसर में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। करंट अफेयर्स ज़रूर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑल इंडिया रेडियो। रेडियो ये गवर्नमेंट के, इसको लोग बहुत निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन मैं बता दूँ बहुत मेजर रोल प्ले करेगा आपको ये आंसर राइटिंग में। आप एक पैटर्न बना लीजिए कि आपको सुबह, दोपहर या शाम एक दिन का बुलेटिन सुनना है, या तो मॉर्निंग में सुनिए, या आफ्टरनून में सुनिए, या इवनिंग में सुनिए। कोई भी एक बुलेटिन डेली बना लीजिए कि आपको सुनना है। इससे आप कनेक्टिविटी बनी रहेगी आपको करंट अफेयर्स के लिए। आपको ये नहीं होगा कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये पता चलेगा कि चल क्या रहा है। तो ये ऑल इंडिया रेडियो का एक तो डेली का बुलेटिन, और उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स है, जैसे चर्चा का विषय है और सुबह सवेरे आता है, इस टाइप के जो प्रोग्राम्स है इसको आप सुनने की कोशिश करिए। इसके आर्काइव्स भी आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, इसकी पुरानी ऑडियोज़ आपको मिल जाएंगी, तो इसको कोशिश करिएगा सुनने की। और उसमें बहुत सारी योजनाएं होती हैं सरकार की, और योजनाओं पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। तो ऑल इंडिया रेडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंस की आंसर राइटिंग में। इसको जितना जो ज़्यादा सुनेगा उतना अच्छा लिख सकता है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतना अच्छा लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट नोट्स। हम जब क्लासेस आगे चलाएंगे तो उसमें सिनॉक्सिस आपको देंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसके शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप डिटेल में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एंड टाइम पे जब मेंस से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पूरा सिलेबस तो आप रिवाइज नहीं कर सकते हो ना पूरा बुक्स उठा के, तो आपको सिनॉक्सिस पढ़ने पड़ेंगे, रिवाइज शॉर्ट नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो वो हमारे वेबसाइट से, हमारी चैनल से आपको मिल सकते हैं पीडीएफ के रूप में। नेक्स्ट है नीति शास्त्र, मतलब पेपर नंबर 4 एथिक्स। इसको लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि यूपीएससी में मैंने देखा है काफ़ी लोग एथिक्स को इग्नोर कर लेते हैं। एथिक्स का सिलेबस बहुत कम है और बहुत इजी है, ये सिलेबस कम है, मार्क्स बहुत स्कोरिंग है, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है एथिक्स। तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा कि इसको लास्ट में पढ़ेंगे, इसको साथ के साथ ले चलिएगा। और नीति शास्त्र में स्पेशली क्लासेस लूँगी आपकी, मैं इसे आपको पढ़ाऊँगी, बहुत इजी सब्जेक्ट्स है। आपको ये नहीं लगेगा कि हम उसे देखने में लगता है कि कहाँ से क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, लेकिन बहुत ही इजी है। और टॉपिक वाइज करिएगा, कुछ भी मत उठा के पढ़ने लगना, जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ उतना ही पढ़ना, एक्स्ट्रा मत पढ़ना। नेक्स्ट है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। हम सभी को लगता है कि दिमाग में थॉट आ रहे हैं और हम लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग में अगर थॉट आते हैं, वो कॉपी पेन लेके हम उतार नहीं सकते हैं जब तक हमारी प्रैक्टिस ना हो। तो
इसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा सिलेबस कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद आंसर राइटिंग पर भी हम आएंगे। लेकिन हाँ, जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत है वो रेगुलरली एक या दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आंसर राइटिंग में एक तो राइटिंग होगी, राइटिंग विजिबल होनी चाहिए कि जो आपने लिखा है, डॉक्टरों वाली राइटिंग नहीं लिखनी है उसमें, आपने जो लिखा है वो एग्जामिनर पढ़ पाए। अगर वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो आपको नेगेटिव मार्किंग दे देगा। तो इसीलिए आपको एक तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपकी एक राइटिंग सुधारनी है आपको, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में टाइम मैनेजमेंट की भूमिका बहुत बड़ी होती है, क्योंकि टाइम मैनेज हमारा क्वेश्चन ही छूट जाता है, दो तीन क्वेश्चन ही छूट जाएगा तो मार्क्स आपको कहाँ से देगा एग्जामिनर। तो जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है एनसीईआरटी की बुक्स। एनसीईआरटी की बुक्स हैं तो बच्चों वाली, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग में बहुत मेजर रोल अदा करेंगी। अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती है तो न्यू एनसीईआरटी में भी बहुत ही ऐसी नई चीज़ें हैं। और एक नई चीज़ ये कि ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी की बुक्स ऑथेंटिक है। हम इसके बेस पे कंप्लेन भी कर सकते हैं, इसके बेस पे आयोग में याचिका भी दायर कर सकते हैं, और बुक्स ऑथेंटिक नहीं होती हैं। तो एनसीईआरटी में जो लिखा है वो गवर्नमेंट ने लिखा है और पेपर उसी के पैटर्न पे उसी के हिसाब से ही बनता है। तो एनसीईआरटी की बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा, अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करिएगा। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट। जब आप लोग थोड़ा सा तैयार हो जाए मेंस के लिए तब मॉक टेस्ट लगाना मत भूलिएगा। और आप लोग के अगर कमेंट आते हैं तो हम भी आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, क्वेश्चंस देंगे, आप आंसर हमें भेजिएगा, हम उसे चेक करके देंगे। ऑनलाइन ये सब प्रोसेस हम लोग शुरू करेंगे मॉक टेस्ट के लिए भी, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोग के कमेंट पे डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेपर से पहले। कोई भी सीरीज ज्वाइन करिए, या तो आप ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए, किसी भी कोचिंग सेंटर के मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन मेंस देने से पहले आपको मॉक टेस्ट करना, कम से कम 10 मॉक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहीं पे मैं आपको ये डिटेल जो मैंने आप बताई समाप्त होती है। होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। आज हमने जो आपको बताया ये बताया कि पैटर्न क्या हो सकता है, और आंसर राइटिंग में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, और जो मेंस की प्रिपरेशन करते समय किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिलेबस बताऊंगी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से, जैसे GS1 GS2, और कौन सी बुक्स इसके लिए प्रेफर करें, कहाँ के नोट्स प्रेफर करें, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के लिए, ये नहीं कि ओनली हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के बारे बच्चों के बारे में बताऊंगी कहाँ कहाँ से आप लोग ले सकते हैं ये चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।